नागदा के व्यस्ततम जवाहर मार्ग के शेष साई चौक के समीप वाइब्रेटर मशीन से मकान तोड़ने का कार्य चल रहा था, तभी अचानक 3 मंजिला भवन का एक हिस्सा भर भरा कर गिर गया, जिसमें भवन के नीचे संचालित दवाई की दुकान में मौजूद एक व्यक्ति और वाइब्रेटर मशीन पर कार्य कर रहे मजदूर की मलबे में दब जाने से मौत हो गई। हादसे में दुकान संचालक सहित अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन रेफर किया गया है। व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित मकान वर्षों पुराना है, जो कि जर्जर व जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुका है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। नागरिकों ने साहस कर दुकान के मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का कार्य किया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर तत्काल पहुँच गए थे। नगर पालिका प्रशासन ने पिछले सप्ताह नगर में चिन्हित किए गए जर्जर मकानों को गिराए जाने संबंधी नोटिस मकान मालिक को देकर उन्हें तोड़वाए जाने की मुनादी भी करवाई थी। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। घटना केंद्र बैंक के सामने मतलब एक जर्जर मकान था, उसमें उसको तोड़ते समय मकान मालिक उसको तोड़वा रहे थे, स्वयं भी उपस्थित थे। उस समय आकस्मिक रूप से मतलब भवन गिर गया, उसमें यह हादसा हुआ। सर, नगर पालिका हर साल जर्जर मकानों को चिन्हित करती है, इस बार भी करीब 100 से अधिक मकानों को चिन्हित किया गया। उनको नोटिस भी जारी किया गया, उसकी तारीख भी निकल थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसका ही कार्रवाई हुई है, कार्रवाई पूरे क्षेत्र में है ना, जहाँ जर्जर ज़्यादा भवन है उन्होंने तोड़ना भी शुरू कर दिया है ना। वो कार्रवाई तो हो रही है, हमारे द्वारा ही मुनादी करवाई जा रही है प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी, तो बारिश में भी हमारी पूरी नगर पालिका टीम लगी हुई थी जगह जगह, उसमें भी मुनादी करवा रहे थे। जो लोग उनके भवन जर्जर थे या पानी भर रहा था, उनको अपने घर के देवास जिले के खाते गांव में दाना बाबा